लगता है कि 10 रिश्तों के साथ अगर अपने पत्नी के साथ रहिएगा तो कभी आपका परिवार नहीं टूटेगा। दोस्तों एक चीज कभी भी समझ में नहीं आता है कि खेसारी लाल यादव हमेशा पवन सिंह को पोक करने के पीछे क्यों लगे रहते हैं। अभी उनका कल एक स्टेज शो था जहां वो फिर से कहीं ना कहीं पवन सिंह को पोक करते हुए नजर आ रहे थे। एक तरह से कहा जाए उनकी भाषा में तो खोद रहे थे। पवन सिंह का और ज्योति सिंह का जो विवाद चल रहा है ऊपर खेसारी लाल यादव ने यहाँ पे क्या कहा है देखिए। लगता है कि 10 रिश्तों के साथ अगर अपने पत्नी के साथ रहिएगा तो कभी आपका परिवार नहीं टूटेगा। तो जिंदगी में अच्छा ही बताई जब हम अपन मेहरारू छोड़ देती हमारा जीवन में ढेर लेके अली गईली हीरोइन लो आई गई कोनो जरूरी बा जो जवान आई तो तमन हमारा पर शक ना करी तो जवाना के समझले बनी जवाना के बुझले बनी ओकरे संगे जीवन पार लगा ली दुगो बातें नहीं बर्दाश्त करे के परेला का करे के परेला। तो जिंदगी में एक बार जब शादी हो गया तो जिंदगी में उसको आजीवन निभाइए यही हमारी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कल्चर है। सो गाइस इसको देख के समझ में आता है कि ये जो निशाना था जो बोला जा रहा था ये पूरी तरह से पवन सिंह की तरफ ही निशाना साधा गया था। आपकी क्या राय है इस पे गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा।